देखिए ऐसा है, हमारी भी पार्टी की मांग है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सभी लोगों की मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तक बिहार को विशेष पैकेज मिला जिसकी शुरुआत हुई है इस बजट से, ताकि बिहार भी विकसित होकर के भारत के अगड़े राज्यों के सामने समक्ष खड़ा हो सके। सर, 2025 में नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए जमुई से सांसद अरुण भारती दिल्ली से पटना लौट रहे हैं, सत्र को में गए थे, बजट सत्र था, उस दौरान लगातार बिहार की विशेष राज दर्जे को लेकर चर्चाएं हुई और आखिरी में रिजल्ट आया कि बिहार को विशेष राज की दर्जा नहीं मिलेगा। इसको लेकर बिहार के सदन में मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के द्वारा काफ़ी हंगामा किया गया, लेकिन जब सवाल किया गया कि लगातार विपक्ष आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने बिहार को विशेष राज का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन ऐसे में झुंझुना थमा दिया है। इसके साथ ही और तमाम जो सवालात थे, जो जैसे कि पशुपति पारस क्या बिहार विधानसभा का चुनाव चिराग पासवान के साथ लड़ेंगे क्या, इन तमाम सवालों को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं अरुण भारती, पहले आप उनके बयानों को सुने। देखिए ऐसा है कि बीजेपी अपने संगठन में क्या बदलाव करती है, ये बीजेपी और उनके नेताओं का विशेषाधिकार है। ऐसे में चुनाव जो आने होने वाला है बिहार का, या जिस भी मद्देनज़र उन्होंने जो बदलाव किया है, हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है। हमने नए अध्यक्ष जी को अपना कार्यभार संभालने के लिए उनको शुभकामनाएं दी हैं। ऐसे में रोहिणी आचार्य जी क्या कर रही हैं, कह रही हैं, उससे हम लोग को बहुत सरोकार नहीं है। पहले मुझे ये बताया जाए कि रोहिणी आचार्य जी हैं कहाँ, वो बिहार में हैं कि सिंगापुर में हैं। दूसरों को जो बाहरी बोल रही थी उनसे पूछा जाए कि आप ये ट्वीट बिहार से कर रही हैं कि सिंगापुर से, अगर आप सिंगापुर से कह रही ट्वीट कर रही हैं तो ये सवाल पूछने का आपका कोई औचित्य ही नहीं बनता है। आपने सारण की जनता को चुनाव के तुरंत बाद छोड़ करके आप अपने सिंगापुर चली गई, जैसे आप आई थी हेलीकॉप्टर से, आप हेलीकॉप्टर से चली गई वापस। तो ऐसे में उनका सवाल पूछना, ये कहाँ से सवाल पूछ रही हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे सदन में विशेष राज दर्जे को लेकर हंगामा रहा, आप लोग भी कहते रहे कि बिहार में विशेष राज को दर्जा मिलना चाहिए, चिराग पासवान ने कहा कि नियम कानून बदलाव करने पड़ेंगे तो हम लोग करेंगे लेकिन विशेष राज का दर्जा लेकर आएंगे। अब सदन में भी लोग कर रहे हैं विपक्ष की हम लोग को विशेष राज के दर्जे से कम कोई मंजूर नहीं। देखिए ऐसा है, हमारी भी पार्टी की मांग है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सभी लोगों की मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि इसी कांग्रेस की सरकार ने, जब नीति आयोग प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, तो उन्होंने ऐसे प्रावधान डाले हैं जिसके कारण बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। बहरहाल जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक बिहार को विशेष पैकेज मिला जिसकी शुरुआत हुई है इस बजट से, ताकि बिहार भी विकसित होकर के भारत के अगड़े राज्यों के सामने समक्ष खड़ा हो सके। सर, 2025 में लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, आप लोग कितने तैयार हैं? देखिए हम लोग विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं, और जहाँ जहाँ भी जो तैयारी हम लोगों को करनी है उसके लिए हम लोग तत्परता से लगे हुए हैं। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि जो हम लोगों ने हमारा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में रहा है 2024 में, उसी तरह से हम लोगों का प्रदर्शन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी रहेगा। कितने सीटों पर है तैयारी? ये गठबंधन के अंदर तय होगा और अभी इस पे चर्चाएं होंगी, तब आपको भी बता दिया जाएगा जब हमारे बीच ये सहमति बन जाएगी। देखिए आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने जो भी सीट मांगी है ये उनकी पार्टी का अपना विशेषाधिकार है, लेकिन ये बातें गठबंधन में तय होंगी। ये एक बातें गठबंधन में जब सब हम लोग बैठेंगे और हमारे नेता बैठेंगे, आपसी सहमति बनेगी, बात विचार होगा, उसके बाद तय होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो होगा, जो प्रदर्शन हमने लोकसभा चुनाव में दिखाया है, ये गठबंधन उसी तरह का प्रदर्शन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी दिखाएंगे। विधानसभा का चुनाव क्या पारस जी के साथ आप लोग लड़ेंगे? देखिए इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हम जो एनडीए के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जो हम लोग पार्टनर्स हैं, जो हम लोग साथ में हैं, ये उनके मध्य में होगा।
अब कौन अभी एनडीए में है नहीं है उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो आपने सुना अरुण भारती ने साफ तौर पे कहा कि देखिए बिहार की विशेष राज्य के दर्जे को लेकर हम लोग भी मांग करते रहे हैं, मिलना भी बिहार को चाहिए, लेकिन इसके साथ ही पशुपति पारस के सवाल को लेकर कहा कि देखिए ये हम तय नहीं करेंगे, ये एनडीए के नेता तय करेंगे। बहरहाल इसको इतना ही, इसे तमाम खुल के अवसर बने रहे, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।